Hey my beautiful people, welcome back to my channel and welcome back to another eye look of hashtag 10 days 10 eye looks. So आज का eye look होने वाला है बहुत ज़्यादा simple and stunning. आज मैं आप लोगों से share करने वाली हूँ ये pink eye look जो कि बहुत ज़्यादा simple है, देखने में भी simple है and create करना और भी ज़्यादा simple है. सो या अगर आपको जानना है आप इस तरह लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो पिंक आई लुक, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आई बेस रेडी कर लिया है, बट आई लिड पर मैंने जो कंसीलर अप्लाई करा था उसे मैंने सेट नहीं करा था. तो आई लिड पर मैं सीधा अप्लाई करूँगी नायका डे ड्रीमिंग 10-in-1 आई शेडो पैलेट से ये पिंक शेड. पूरा आई लिड पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी, प्लेस कर लूँगी. कंसीलर है सो ये इजीली स्टिक हो जाएगा एंड इसका पिगमेंटेशन थोड़ा सा हाई रहेगा. ओके सो इस तरह मैं पूरी आई लिड पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ. देन मैंने लिया था ये ब्राउन शेड, उसे लेकर मैं अगेन प्लेस करूँगी क्योंकि मैंने सेट नहीं करा था. सो सीधा अगर मैं ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूँगी तो कंसीलर क्रीज कर जाएगा, मे बी निकल भी आ सकता है ब्रश के हेल्प से. सो मैं पहले प्लेस करूँगी ब्राउन शेड को लेकर अपने ट्रांजिशन एरिया पे लाइक दिस. आउटर पे मैं थोड़ा सा डीप रखूँगी, बाकी एरिया पर मैं थोड़ा सा लाइट अप्लाई करूँगी. सो ब्राउन शेड को ट्रांजिशन पे अप्लाई करके मैं ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूंगी. पिंक कलर को एंड ब्राउन शेड को मैं अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूंगी. दोनों कलर्स को मैं अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन बिल्कुल ना दिखे एंड हमारा जो कलर्स है वो ब्लेंडेबल लगे. एंड लास्टली मैं बहुत स्लो हैंड से मैं ब्लेंड करूँगी, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दूँगी. सो देन मैं ट्रांजिशन पे जो ब्राउन शेड अप्लाई कर रहा था उसकी एजेस को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए लाइक दिस. प्रेशर नहीं देना है बिल्कुल भी, लाइटली स्लोली आपको ब्लेंड करना है, टाइम देकर अच्छे से आपको ब्लेंड करना है. दोनों कलर्स को मैं मिक्स करते हुए ब्लेंड यहाँ पे कर रही हूँ. इसे एक बहुत एक वार्म शेड हो जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है. ओके सो मैं आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड करना है. यहाँ पर मैंने बहुत टाइम दिया था सिर्फ ब्लेंडिंग करने के लिए. सो देन यहाँ पर मैं कट क्रीज कर रही हूँ. मैं हाफ लिड तक अपनी पूरी आईलिड को कट कर लूँगी एंड थोड़ा सा मैं कट क्रीज लाइक जहाँ से क्रीज लाइन है उसके थोड़े से ऊपर से ही मैं कट करूँगी, उससे आई मेकअप को एक प्रॉपर शेप मिलता है. सो इस आई लुक में अगर आप चाहो तो आप कट क्रीज कर सकते हो, अगर ना चाहो आपको कट क्रीज करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है या आप बिगनर हो कट क्रीज अच्छे से आप नहीं कर सकते हो देन डोंट डू दिस, जस्ट कीप इट. इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. यहाँ पर मैं बस अपनी आई मेकअप के लिए एक शेप चाहती थी, दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने कट क्रीज करा है. इट्स अप टू यू कि आपको कट क्रीज करना है या नहीं करना है. आप वही दो शेड को मिक्स करके अपना आई लुक क्रिएट कर सकते हो. सो जो कट क्रीज मैंने करा था जो कंसीलर को उससे मैं पूरी तरह कवर कर लूँगी पिंक शेड से. लाइक दिस बस प्लेस करना है आपको, डैबिंग मोशन में आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है. अगर ड्रैग करोगे देन आपका कंसीलर निकल आएगा, आपका आई शेडो निकल आएगा, देन आपका आई मेकअप स्पॉइल हो जाएगा. सो यहाँ पर अच्छे से मैं पूरा कंसीलर को कवर कर रही हूँ विद दैट पिंक शेड.
ओके सो देन मैंने लिया था ये शिमर शेड और थोड़ा सा डार्क पिंक शेड है ये. सो इसे लेकर मैं मिडिल आईलिड पे थोड़ा सा अप्लाई कर रहा था, लाइक एक टच दिया था जस्ट. एंड देन मैंने लिया था ब्राउन शेड अगेन, उसी को लेकर मैं आउटर वी पे कट क्रीज का जो एज है उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी उसके साथ ताकि वो सॉफ्ट हो जाए. एंड कट क्रीज का जो एज होता है ऊपर में क्रीज लाइन पे उसे भी मैं ब्लेंड आउट अच्छे से कर लूँगी ताकि हमारा पूरा जो आई मेकअप है वो प्रॉपर ब्लेंडेबल लगे, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि कहीं पर भी हार्स लाइन से है या ब्लेंड नहीं हुआ है. सो देन यहाँ पर मैंने लिया है स्ट्रे क्वार्की पेन लाइनर, उसी से मैं एक थिन बेसिक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी. मैं पूरी इनर कॉर्नर से नहीं ला रही हूँ, आप देख सकते हो, मैं बस इनर कॉर्नर से थोड़ा सा गैप देके मैं विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ. एक्चुअली मुझे चाहिए था स्मज्ड काजल लुक, बट यहाँ पर मैं काजल के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी साइड टेप अप्लाई नहीं कर रहा था. सो काजल के साथ प्रॉपर आईलाइनर का शेप नहीं आ सकता था, दैट्स व्हाई. सो यहाँ पर मैंने ऐसे थिन आईलाइनर अप्लाई कर लिया है. सो देन मैंने लिया था ब्राउन शेड अगेन एक पॉइंटेड ब्रश के हेल्प से, एंड उसे मैं ब्लेंड कर लूँगी आईलाइनर पे. आईलाइनर है ड्राई हो चुका है, ब्लेंड नहीं होगा बट एक ना फेड कलर आएगा. मुझे प्रॉपर ब्लैक कलर नहीं चाहिए था, मुझे एक फेड ब्लैक ब्राउन का जो मिक्सचर होता ना मुझे वही चाहिए था, दैट्स व्हाई मैंने उसे आईलाइनर के ऊपर अप्लाई करा है एंड वो प्रॉपर शेड भी आ रहा था जो मैं चाहती थी. सो देन मैंने लिया था पिंक शेड एंड उसे मैंने अपनी लोअर वाटर लाइन पे डस्ट करा है. बट गाइस लेट मी टेल यू, अगर आप बिगनर हो देन नेवर एवर डू दिस क्योंकि इससे आपका टियर डक्ट ब्लॉक हो सकता है, आपका आई पे इरिटेशन हो सकते हैं. सो अगर आप चाहो तो आप काजल अप्लाई कर सकते हो, कोई न्यूड काजल अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने पिंक इसलिए अप्लाई करा है आई शेडो को एक छोटा सा ब्रश की हेल्प से. मैंने बस थोड़ा थोड़ा लेकर अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई करा है, बिल्कुल भी अंदर की तरफ नहीं लेकर मैंने के नहीं लिया है. सो अप्लाई करके मैंने अपनी अपर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करा था, स्टे क्वार्की की आई लव यू टू काजल. बस थोड़ा सा मिडिल पे मैंने अप्लाई करा था एक वॉल्यूम देने के लिए आई लुक को. सो देन मैंने लिया था ब्राउन शेड एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से, देन मैंने उसे अपनी लोअर लास्ट लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करा है. एंड देन मैंने लिया था सिल्वर हाइलाइटिंग शेड, उसी से मैंने अपना ब्रा बोन को एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया है. देन मैंने लिया था मेरा वन एंड ओनली मस्कारा, लैक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा, उसी से मैं अपनी लैशेस को अच्छे से कोट कर रही हूँ. एंड यहाँ पर आई लुक कंप्लीट हो चुका है विदाउट लैशेस. सो ये रहा आई लुक. एक्चुअली मुझे ना बहुत पसंद आ रहा था ये लुक विदाउट फॉल्सीज, बट मुझे फॉल्सीज भी अप्लाई करना था. सो इसके बाद आपको दिख जाएगा फॉल्सीज का लुक. सो आपको मुझे कमेंट में बताना है ये प्रिटी पिंक आई लुक आपको कैसा लगा एंड आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आ रहा है, विद फॉल्सीज या विदाउट फॉल्सीज, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना. और हाँ, अगर पसंद आया है ये प्रिटी पिंक आई लुक देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वन एंड यस, अगर चैनल पे न्यू हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल विद दैट बेल आइकन. सो या सी यू सून विद न्यू आई लुक, टिल देन टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल.